राजस्थान में राज बदला, लेकिन लगता है कुछ थानों में पुलिस वालों के काम का तरीका अब भी वही है। इसकी बानगी देखने को मिली है राजस्थान के भरतपुर में, जहां से जवाहर सिंह बेडम राज्य मंत्री हैं। खुद राज्य मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि थानों में पुलिस वाले अब भी सो रहे हैं और अपराधी अपना काम उसी पुराने तरीके से निपटा रहे हैं। ट्रैक्टर चोरी हो गया और मोटरसाइकिल चली गई, मैंने ठीक है। मैंने जालू के SHO को फोन किया, मैंने कहा और मीणा जी ठीक हो? सब ठीक हूँ, सब खैरियत है? हाँ साहब सब। मैंने ऑल इज वेल? ऑल इज वेल साहब। मैंने कहा तू SHO काहे को आया? मैंने कहा तेरे थाना क्षेत्र में खकावली में एक ट्रैक्टर चोरी हुआ है रात को, एक मोटरसाइकिल उठ गया, और तू हमको कह रहा है ऑल इज वेल? भाई ये तो बात ठीक नहीं है। खैर वो मौके पे गया, सारी बात हुई, वो ट्रैक्टर भी आ गया, लेकिन वो ट्रैक्टर फरौती से आया है। ये पुलिस के लिए चुनौती है, ये जो नेक्सस है, ये जो सिस्टम यहाँ चल रहा है, ये सिस्टम खत्म कर। गृह गोपालन डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर खासी नाराजगी जाहिर की। बेडम ने कहा कि पिछली सरकार में थानों की बोलियां लगती थी, अपराधी फिरौती लेने के बाद ही चोरी का सामान वापस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से हम पहले ही दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से यहाँ पदभार ग्रहण किया है उस दिन से ही राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपराध मुक्त राजस्थान होगा, तो उसमें ये आता है कि डीग जिला भी अपराध मुक्त हो, भरतपुर जिला भी अपराध मुक्त हो। निश्चित रूप से पहले कुछ खामियां हमारी सरकार जब नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यह खामियां रही हैं और अधिकारी कर्मचारियों की भी मंशा उसी अनुरूप चल रही थी जैसे पुराने जनप्रतिनिधि करते थे। मैंने तो यहाँ देख सुना कि पहले तो यहाँ थाने बिकते थे श्रीमान, अब वो बिल्कुल बंद किया है और जिला पुलिस अधीक्षक डीग और जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर दोनों ही हमारी जब से मनसा का इनको मालूम पड़ा है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे, उस काम में गति आई है और डीग जिले में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं और डीग जिले में पुलिस को तंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है, वहाँ RAC की टुकड़ियाँ लगाई गई हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम शुरू हो गया है। संसाधन, हाँ ये बात सही है कि संसाधन वहाँ कम है, उसके लिए मैंने दोनों जिलों में तारतम्य बैठाने के लिए सक्षम अधिकारियों से बात की और उच्च स्तर पर भी गोविंद गुप्ता जी से बात की कि वो मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की बात करें और DG साहब जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं उनसे भी मैंने कल बात की है। शीघ्र ही हम संसाधन उपलब्ध करा करके पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे और भयमुक्त शासन, भयमुक्त प्रशासन देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपराधियों में खौफ होगा, अपराधी अपराध छोड़ेंगे, इस तरह का मजबूर करने का काम यहाँ की पुलिस करेगी और जो अपराध नहीं छोड़ेगा वो सलाखों के पीछे होगा, आप निश्चिंत रहिए। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पूरे एक्शन में आ चुके हैं, अपने विभागों के अधिकारियों और पुलिस वालों को चेतावनी दे दी है कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो सख्त कार्रवाई होना तय है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।